रहना चाहिए। वोडाफोन आइडिया के केस में मेरे हिसाब से आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द मूव इज लार्जली डन, क्योंकि जितनी आई थिंक इनको अभी स्पेंडिंग करनी पड़ेगी बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रम, इन टर्म्स ऑफ 5G केपेक्स, विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन बैलेंस शीट। उनको डेट डीलेवरेजिंग करनी करनी है, दे आर डूइंग एवरी पॉसिबल मीन्स, नॉन कोर एसेट बेस के इंडस टावर्स में जो ने स्टेक सेल किया है, बट इट्स स्टिल गोइंग टू बी अ टफ फ्यू क्वार्टर्स एज फार एज बैलेंस शीट डायनेमिक्स। आई थिंक जो एक वॉचलिस्ट पे रखना चाहिए इज इंडस्टार्स, क्योंकि जो यहाँ पे डायनेमिक चेंज हो सकते हैं, टेनेंसी रेशियो शुड रिमेन स्ट्रॉन्ग विद द प्रेजेंस ऑफ वोडाफोन आइडिया नाउ बीइंग सस्टेनेबल इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ डायनेमिक्स। जो हम टेनेंसी रेट्स देखते हैं वहां पे एक स्टेडी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। इंडस्ट्रियल पार्ट ऑफ द सेगमेंट शुड ऑल्सो सी अ स्टेडी ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। डेट जो बड़ी थी विद इंप्रूवमेंट्स इन रियलाइजेशन बोथ इंडस्ट्रियल एंड टेलीकॉम, वहां पे डीलेवरेजिंग जैसे स्टार्ट होगी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, माई सेंस इज नंबर स्पेसिफिकली रिटर्न रेशियो शुड शो इंप्रूवमेंट। तो आई थिंक एक एक स्टॉक विद इन द एंटायर पे जो आपके रडार पे रहना चाहिए फ्रॉम अ बाइंग परस्पेक्टिव डिक्लाइंस पे करना है तो इंडस्ट्रियल। ठीक है, इंडस टावर पे आप कह रहे हैं कि डिक्लाइंस पे बाय कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया पे आपका कन्विक्शन सभी लोगों ने सुन लिया कि आप क्या कहना चाहते हैं। 18 पे लेवल आ गया, 18 के हमारे टारगेट्स थे, अब वो भी अचीव हुए। उसके बाद आपको पता ही है कि अलग अलग स्टॉक्स पे अलग अलग एक्सपर्ट्स ने रिकमेंडेशन दी हुई है, लेकिन ये 12-13 से चलने के बाद 18 तक का जो मूव है वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली आपने यहाँ पर देखा और आपको 18 के लेवल कल फाइनली दिख भी गए स्क्रीन पर। अब हम